हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस वीडियो चैनल पे सिर्फ हम एक्सेल की टॉपिक ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ही डालते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप और एक्स लुकअप के बीच में कंपेयरिंग। तो चलिए पहले जानते हैं वी लुकअप। जैसे मुझे आईडी नंबर 6 का, अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसको, आईडी नंबर 6 का मुझे जैन और मार्च का डेटा चाहिए और साथ में नेम भी चाहिए होगा। तो इसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं इक्वल वी लुकअप। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कॉमा, यहाँ पे 3,0 और फिर वापस हम वी लुकअप लगाते हैं। इसको सेलेक्ट किया और हमने डेटा को सेलेक्ट, अपने डेटा को सेलेक्ट किया और इस बार हमारा है 4,0, नहीं मार्च है तो 5 होगा, 5,0। और यहाँ वापस हम वी लुकअप लगाते हैं। जनरली वी लुकअप आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या है, मैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर आपको हम बात कर रहे हैं। दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि अगर हमने यहाँ पे 16 डाला तो यहाँ पे एरर आएगा। अब इस एरर को हटाने के लिए हमें वी लुकअप को इफ एरर के अंदर में डालना होगा। जी हाँ, इफ एरर फॉर्मूले के अंदर डालना होगा, दूसरी फॉर्मूले की सपोर्ट लेना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आईडी जो है स्टार्टिंग में है, मैंने आईडी को कट करके बीच में डाल दिया तो पूरा फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो वी लुकअप है ये इस आईडी को ए के अंदर ढूंढेगा। तो यहां पे वी लुकअप जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक्स लुकअप। जैसे मुझे 16 का जैन चाहिए तो यहां पे एक्स लुकअप, इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, पहले लुकअप वैल्यू, तो जो आईडी वाला कॉलम चाहे कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, एंड में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रिटर्न क्या, आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो रिजल्ट मुझे जनवरी का चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम नंबर देने की भी जरूरत नहीं है, जैन का कॉलम पूरा सेलेक्ट करो। अब यहाँ देखिए इफ नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड में मैंने दे दिया ब्लैंक या कुछ भी दे दीजिए, डीएमटी कर दिया। मैच कोड एग्जैक्ट मैच चाहिए, जी हाँ 0 एग्जैक्ट मैच। सर्च मोड, सर्च फर्स्ट टू लास्ट चाहिए, लास्ट उसको कि लीनियर चलता है, इसलिए इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप जो है इसको 0 करके छोड़ दीजिए आप एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे 16 नहीं है, डीएमटी आया। अगर मैं यहाँ पे 18 कर दिया, 14 कर दिया, रिजल्ट आ गया। ऐसे एक्स लुकअप आप बाकियों में भी लगा सकते हैं, नेम और मार्च। यहाँ पे देखिए मैं पूजा, हमारा 2 बार है, राइट। तो अब मैं पूजा का टोटल कर, आईडी से नहीं चल रहा, अब मैं नेम से चल रहा हूँ। अब मुझे पूजा का टोटल चाहिए, तो यहाँ हम वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको देते हैं कॉमा, हमने दे दिया 2,0। तो यहाँ पे जो 1 आया इस पूजा का, मुझे सबसे लास्ट वाले पूजा चाहिए, जैसे बीच में पूजा और भी हो सकती है, सबसे लास्ट वाले पूजा का आईडी या कुछ भी चाहिए। तो यहाँ एक्स लुकअप मदद कर सकता है। हमने इसको सेलेक्ट किया और हम चले गए लुकअप एरे में, तो हमने नेम को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे रिटर्न, हमने बोला आईडी हमें रिटर्न करना है, और फिर यहाँ पे आता है इफ नॉट फाउंड, तो हम डीएफटी या कुछ भी डालना चाहे, ब्लैंक डालना चाहे ब्लैंक कर दीजिए, आपकी मर्जी है। मार्च कोड हमने बोला एग्जैक्ट। अब यहाँ पे सर्च फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट या सॉर्टेड बाइनरी ऑर्डर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों कर सकते हैं, हमने यहाँ पे अब देखिए 13 आया, उसने यहाँ से ढूंढना शुरू किया जो पहला पूजा मिला और यहाँ पे दे दिया। तो एक एक और खासियत है हमारे इस
एक्स लुकअप की, लेकिन एक्स लुकअप फॉर्मूला लेटेस्ट वर्जन में है 2019 के अंदर है या ऑफिस 365 के अंदर है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन हाँ, गूगल सीट पे भी लगा सकते हैं इसको, या ऑनलाइन एक्सेल उस पर भी इसको लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जवाब जो है तुरंत जवाब जो है मैं मोबाइल ऐप के चैट पे देता हूं। तो अगर आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप चैट पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे वीडियो अनसिक्वेंस है, बट वहाँ पे जाएंगे तो मेरे सारे वीडियो सिक्वेंसली मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करना है। जी हाँ, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।